जो पूजन का विधान है उस विधान में कोई गर्म चीज की महत्वता नहीं है क्या? कोई गर्म चीज की महत्वता? फिर भी दुनिया के लोग अपनी बुद्धि लगाकर माता की जब पूजन करने जाते हैं तो वहां अगरबत्ती भी जलाते हैं और दिया भी जलाते हैं। अब एक तरफ तो तुम माता को ठंडा पानी का भोग लगा रही हो, एक तरफ तो ठंडा भोजन चढ़ा रही हो, एक तरफ तो ठंडे का प्रयास कर रही हो, और ऊपर से माता को तुम दिया लगाकर अगरबत्ती लगाकर तुम माता को सम्मुख में गर्म तत्व को प्रदान कर रही हो, और फिर आकर कहती हो कि मेरा बच्चा क्यों बीमार पड़ता है, मेरे पति को आगे बार बार ये कष्ट क्यों आता है, घर में लोग चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, घर में लोग क्लेश क्यों करते हैं, आखिर कारण क्या है? तो कारण तो तुम खुद हो कि जो चीज लिखी है वो ना करते हुए दुनिया जो कर रही है तुम वो करना चाहते हो। तुम भगवान की पूजन उस विधान से नहीं करना चाहते जो विधान शास्त्रों में। जो शास्त्रार्थ विधान कहता है महाराज शीतला माता की पूजन में कहीं ऐसा लिखा है कि तुम दिया लगाना अगरबत्ती लगाना? शीतला माता की पूजन में लिखा है एक लोटा पानी लेना, उस जल में पुष्पादिक लेकर माता को ठंडा भोजन का सुंदर भाव से माता का स्नान कराकर पूजन करना, अर्चना करना, कुंकू चावल रोली मोली जो चढ़ा सकते हो, चुनरी वस्त्र आदि जो चढ़ाना हो चढ़ाओ, पर ये नहीं लिखा कि तुम दिया भी लगाना कि अगरबत्ती भी लगाना, क्योंकि गर्म तत्व वहां चाहिए माता। वो शीतल है, शीतला। और अगर तुम दिया लगा भी रहे हो, मान लो दिया अगर तुम लगा भी रहे हो तो उसके सम्मुख ना लगे, उससे दूर, बहुत दूर।